चलो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं माइक्रोब्स चैप्टर का। माइक्रोब्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है वेयर विल यू फाइंड माइक्रोब्स। कहने का मतलब आप माइक्रोब्स को किन किन जगहों पर पाओगे, उनके हैबिटेट क्या क्या मिल सकते हैं। माइक्रोब्स की बात अगर हम करें, क्योंकि हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सो इसको हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सोच के देखो इसमें क्या क्या अटेम्प्ट किया जा सकता है। आंसर इसमें हमारा बनेगा, फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सोइल। एयर में भी मिलते हैं, वाटर में भी मिलते हैं और सोइल में भी मिलते हैं। ये बेसिक बात हो गई, एयर में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, सोइल में मिलते हैं। क्या इसके अलावा भी और कहीं मिलते हैं माइक्रोब्स? यस, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी, सो वी कैन से माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये एक और पॉइंट हो गया हमारा। एक और पॉइंट भी कर सकते हैं इसमें, क्या सिर्फ ये हमारी बॉडी में ही होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में हम मिल गए, एयर में, वाटर में, सोइल में, दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, वी ऑल नो अबाउट इकोसिस्टम, सो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। लिविंग में, लिविंग कंपोनेंट में ह्यूमंस में होते हैं। इसके अलावा भी क्या ये कहीं और प्रेजेंट हो सकते हैं? यस, आल्सो इन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत बेसिक सी बात है, अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स की बॉडी में भी माइक्रोब्स मिलते हैं। अब एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक जनरलाइज्ड वे में हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।